बिग बॉस के घर में पहले हफ्ते कप्तान बने विकास को एक बड़ा झटका लगा। टास्क के दौरान पुनीश और विकास दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों ने खूब जमकर गाली गलौज किया और इस बात पर विकास गुप्ता ने पुनीश के साथ हाथापाई कर दी। हाथापाई के बाद बिग बॉस ने खड़ा कदम उठाते हुए विकास गुप्ता को कप्तानी से हटा दिया और साथ ही उन्हें सजा दी काल कोठरी की। लेकिन नए कप्तान के लिए बिग बॉस ने चुनाव करते हुए पुनीश शर्मा को घर का नया कप्तान बना दिया। आपको बता दूं कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए पुनीश शर्मा पहले से ही नॉमिनेटेड हैं। क्या इस कप्तानी का फायदा उन्हें मिलेगा? शायद नहीं, लेकिन क्योंकि कप्तानी में विकास और पुनीश दोनों आमने सामने थे और उसमें पुनीश हार गए थे, लेकिन अब घर के एक अहम नियम के उल्लंघन के बाद विकास गुप्ता को जेल में डाल दिया गया है और उनकी जगह पुनीश शर्मा को घर का नया कप्तान बना दिया गया है। आपको बता दूं कि इस हफ्ते 5 लोग नॉमिनेट हैं, जिनमें से एक पुनीश शर्मा भी है। क्या वो इस हफ्ते सरवाइव कर पाएंगे? जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लगता तो नहीं है कि वो बच पाएंगे, लेकिन फिर भी अब कप्तानी मिलने के बाद उनको फुटेज तो ज्यादा मिलेगी, हो सकता है कि वोट भी जनता उन्हें करे। तो कप्तान बन गए हैं पुनीश शर्मा। विकास गुप्ता ने की हाथापाई, जिसकी सजा बिग बॉस ने उनको दी है, और सजा के बतौर वो अब जेल में भी हैं और पूरे सीजन कप्तानी नहीं कर सकेंगे। तो नए कप्तान हैं पुनीश शर्मा।